तो चलते हैं, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। पिछले क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम तक पहुंचे थे, लेकिन ब्लॉक डायग्राम बना करके समझे नहीं थे। आज पूरे ढंग से ब्लॉक डायग्राम को मैं बना रहा हूं आपके सामने, और ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए एक एक करके हर सेक्शन को इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आपके सामने पूरा ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक डायग्राम को बहुत अच्छे से ऐसे ही जैसे मैं बनाया वैसे बनाना है आपको। अगर ये याद नहीं होता है तो बचपन में अगर आपने कभी सीपीयू यानी कि सॉरी कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसीज, अगर उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं तो काफी हद तक उससे ये मिलता जुलता है, काफी हद तक। इसमें सिर्फ पावर सप्लाई एक्स्ट्रा आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा अलग हो जाता है। यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो हम लोग पीसी यूज करते हैं घर में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, वो एक प्रकार का पीएलसी की तरह काम करता है, की तरह काम करता है। चलिए पहले पहले ब्लॉक डायग्राम को समझ लीजिए, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में ये देखिए, एक साइड में इनपुट मॉड्यूल है और एक साइड में आउटपुट मॉड्यूल है। मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, अब कनेक्ट कर रहा हूं। ये इनपुट मॉड्यूल इनपुट स्विचेस या इनपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, आउटपुट मॉड्यूल आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। एक बच्चा हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आउटपुट इनपुट डिवाइसेस और इनपुट मॉड्यूल अलग अलग होता है? आंसर है हाँ, अलग अलग होता है, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है। कुन कुछ कुछ किताबों में, अगर ऑटोमेशन की अच्छी अच्छी किताबें दो चार मार्केट से उठाइएगा तो कुछ कुछ किताबों में इस इनपुट डिवाइसेस को इनपुट मॉड्यूल के अंदर ही डाल देता है, हमने अलग कर दिया है, ठीक है। तो भाई अलग क्यों किए सर, थोड़ा सा समझाइए, समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहां से हेलो बोला तो मेरे मुंह से आवाज यानी साउंड सिग्नल के रूप में निकला, करेक्ट? हाँ, साउंड सिग्नल के रूप में निकला, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि अभी समझ में भी आएगा। तो मैं मुंह से बोला साउंड सिग्नल, दैट मीन आई एम द एनवायरमेंट सिस्टम, मैं पूरे इस वातावरण का एक सिस्टम हूं, छोटा सा एक आदमी हूं। वैसे ही मैंने आवाज मुंह से निकाला, ठीक, और वो आवाज, ठीक है, मैं भेजना चाह रहा हूं इस मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर प्रोसेसर है, ठीक है। तो भाई डायरेक्टली मेरा आवाज प्रोसेसर के अंदर नहीं जाएगा, इसको मदद करने के लिए मेरे इस कॉलर में एक माइक लगा हुआ है, ये माइक इनपुट डिवाइसेस कहलाएगा, करेक्ट। ये इनपुट डिवाइसेस माइक लिया, आवाज लिया, यानी यहां पर माइक आएगा, दैट्स नेम इज अ इनपुट डिवाइसेस, क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइसेस, एनवायरमेंट यानी वातावरण से इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया? यानी मैं एक वातावरण हूं और मैं वातावरण में सिग्नल मिल रहा है ढेर सारा, उस सिग्नल को एक्सेप्ट करने वाला डिवाइस इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। अब इनपुट डिवाइसेस मेरा साउंड सिग्नल एक्सेप्ट तो कर लिया, डायरेक्ट साउंड नहीं भेजता है प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेसर कहता है, सीपीयू कहता है, भाई तुम जो आवाज हो तुम्हारा अलग ही नेचर है, तुम एम्पलीट्यूड होता है उसमें, उसके बाद वेवलेंथ होता है। बोला हमको ऐसा सिग्नल नहीं चाहिए, ऐसा दोगे तो हम कभी काम ही नहीं करेंगे, तुम उसको बदल के दो। तो पूछता है सीपीयू से कि भाई तुमको कैसा सिग्नल चाहिए? तो बोला देखो, हम पूरा भाषा मेरी दुनिया बाइनरी पे वर्क करती है, यदि तुम्हारा जो आवाज वाला सिग्नल है यदि तुम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें दोगे तो हम काम करना शुरू कर देंगे। तब हम एक इनपुट मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है हमें, इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू को जैसी जरूरत सिग्नल होती है वैसा सिग्नल में इनपुट डिवाइसेस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और जरूरत के अनुसार यानी सीपीयू की जरूरत के अनुसार से सिग्नल को बना के देता है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, इनपुट डिवाइसेस एनवायरमेंट से सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, वो चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वॉयस सिग्नल हो सकता है, टेक्स्ट सिग्नल हो सकता है, या कोई इंडिकेटर सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कैसा, कौन सा सिस्टम पे तुम काम कर रहे हो उस पर ये निर्भर करता है। तो इनपुट डिवाइसेस उस सिग्नल को एक्सेप्ट किया, और डायरेक्ट अगर ये इनपुट डिवाइसेस को सीपीयू से जोड़ देते तो प्रॉब्लम होती। सीपीयू एक, ठीक है, जनरली हम लोग जो भी कहेंगे डिजिटल डिवाइस, क्योंकि आज की दुनिया प्रोसेसर डिजिटल पे काम करती है, डिजिटल डिवाइस है। अब डिजिटल डिवाइस है और डिजिटल डिवाइसेस में मोस्टली बाइनरी पे वर्क करने वाला डिवाइसेस ज्यादा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाइनरी डिवाइसेस मान के चलिए कि बाइनरी पे वर्क करने वाला डिवाइसेस, और हमारी डिवाइसेस एनालॉग सिग्नल,
तो यहां पर बेस्ट एग्जांपल इनपुट मॉड्यूल में एडीसी आएगा। कौन आएगा? मोस्टली आप लोग एडीसी सुन चुके हैं। एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या मैंने बोला? एडीसी, बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यस, यानी जितना जैसा सिग्नल इसको चाहिए उसमें कन्वर्ट होके मिल गया। तो एडीसी जो एग्जांपल हुआ वो इनपुट मॉड्यूल का हुआ। और ठीक है, स्विचेस, सेंसर्स, इनकोडर्स या माइक्स, ये सब जितने भी डिवाइसेस होंगे, ठीक है, माइक भी लिख दो यहां पर, माइक्रोफोन भी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, स्विचेस, सेंसर्स, इनकोडर्स, माइक्रोफोन्स एंड दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस, दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट मॉड्यूल आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक, अब आते हैं, सर हमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना है, नहीं लिखना है, इसके बारे में थोड़ी जाएंगे, स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने अपने तरीके से इनपुट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। आप लोग पढ़े थे माइक्रो कंट्रोलर, वहां भी इन स्विचेस आया था, अब पुश बटन स्विच याद आ रहा है, डीबाउंसिंग, अरे प्रोग्रामिंग कर रही थी तुम लोग, भूल जाती है, सेंसर जो कि अलग अलग रूम के टेम्परेचर सेंसर अगर है तो टेम्परेचर को सेंस करके देगा, प्रेशर सेंसर है तो प्रेशर को सेंस करके देगा, ठीक है, या फिर मेरा मोशन सेंसर है तो मोशन को सेंस करके देगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सेंसर्स होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट में उस तरह के एक्टिविटी जो हो रही है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद इनपुट मॉड्यूल को दे देगा। इनपुट मॉड्यूल एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो ये बात को जानता है कि सामने वाला जो सीपीयू है उसको क्या चाहिए, और इसको ये भी पता है कि हमें इनपुट डिवाइसेस से किस तरह के सिग्नल आएंगे। यानी इनपुट मॉड्यूल में उसी तरह के इनपुट डिवाइसेस हम लगाते हैं जो सीपीयू को कन्वर्ट करके देता है। एकदम करेक्ट, इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने एक दिया, एडीसी, मोस्टली एडीसी होता है क्योंकि हम लोग जितने भी डिवाइसेस बाहर से इनपुट डिवाइसेस से लेते हैं, मोस्टली, मोस्टली का मतलब 99% एनालॉग सिग्नल होता है। कौन सिग्नल होता है? यस करेक्ट, साउंड सिग्नल भी एनालॉग सिग्नल है या इस तरह के वीडियो सिग्नल भी एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि आप एनालॉग कम्युनिकेशन जब पढ़ रहे थे उस समय इस तरह का बात आता है, तो एनालॉग सिग्नल होता है और हमें सीपीयू को डिजिटल फॉर्म में देना है, तो इन दैट केस हमें एडीसी, मोस्ट एडीसी यूज करेंगे, मोस्टली एडीसी का प्रयोग करते हैं। इनपुट मॉड्यूल, अगला पॉइंट, इनपुट मॉड्यूल सीपीयू, इसको पढ़ रहे हैं, पॉलिसी को एक्सप्लेन किया हूं मैं, यहां देखिए इनपुट मॉड्यूल लिखा हुआ है, इनपुट मॉड्यूल सीपीयू के बीच में एक प्रकार का इंटरफेस का काम करता है। अरे इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब मैं तुम्हारा साथी हूं और तुमको कुछ भी जरूरत होगा इनपुट साइड से मैं मदद करने वाला हूं। इनपुट मॉड्यूल कहता है, किसको कहता है? सीपीयू को। तुमको जो भी चीज की जरूरत है हमको बोलो, हम तुम्हारे अनुसार से सिग्नल बनाकर देने के लिए तैयार है और तुम उसके अनुसार से काम करना। तो उसी को मैंने अपनी भाषा में, इनपुट इज ए डिवाइस विच, ठीक है, इनपुट इज ए डिवाइस विच वर्क्स एज ए इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड रियल वर्ल्ड। मॉड्यूल छूट गया, डाल देते हैं मॉड्यूल, ठीक है, इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल इज ए डिवाइस विच वर्क्स एज ए इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड मतलब इसके इधर जितनी दुनिया हमारी होगी वो कौन सी दुनिया होगी? रियल वर्ल्ड। हम लोगों की दुनिया को क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड। चलिए, इसका मतलब ये इनपुट मॉड्यूल जो है रियल वर्ल्ड से सिग्नल लेगा और हमारे सीपीयू को देगा। इट टेक इनपुट डेटा या सिग्नल फ्रॉम रियल वर्ल्ड, इसको हम रियल वर्ल्ड में ही ले जा रहे हैं, माइक्रोफोन या कुछ भी इस तरह का, इसको रियल वर्ल्ड में ले जा रहे हैं, रियल वर्ल्ड By the help of input devices, देख लिख दिए हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो सिग्नल है हम मुंह से बोल रहे हैं, मेरा सिग्नल प्रोसेसर तक पहुंचने के लिए हमारे पास माइक है और माइक के और इसके बीच में एडीसी भी है, ठीक है, दोनों से गुजरेगा इनपुट डिवाइस रियल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट सुटेबल सीपीयू, कन्वर्ट इट, ठीक है, सुटेबल फॉर सीपीयू, ठीक है, और उसको सीपीयू के लिए कन्वर्ट भी करता है इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल का ही काम है, देखो मेरा से मूड मिट गया जी, कोई बात नहीं, समझदार तो हो ही तुम लोग, ठीक है, बहुत तेज है तुम लोग, तुम ही लोग कोई बोल दी होगी तो मिट गया होगा। चलिए, अरे हाँ जी, चलो चलो शुरू करते हैं। तो इनपुट मॉड्यूल का काम हो गया, इनपुट मॉड्यूल, फिर एकदम एग्जैक्टली सेम अपोजिट वर्क इधर भी होगा, ठीक है, अपोजिट वर्क इधर होगा
आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। देखो इन दोनों के बीच में भी इंटरफेस का काम करना है। अब ये बोलेगा जो भी हमको तुम करने बोलोगे मैं उसके लिए माहिर डिवाइस हूं। माहिर का मतलब हो गया कि बहुत अच्छे से काम कर लेना, और मैं काम करने के बाद एंसर्स आएगा वो दूंगा किसको? तो भाई तुम्हारे पास आउटपुट मॉड्यूल है उसको दे देना। बोले ठीक है, हम तो बाइनरी में काम कर रहे हैं। लो भाई बाइनरी के फॉर्म में डेटा दे दिया, लेकिन अगर वही बाइनरी के फॉर्म में तुमको मिल जाए ठीक है तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया एनालॉग दुनिया है। और तुम बोलेगी हम तो तुमको साउंड सिग्नल के रूप में दिए थे और तुम हमको बाइनरी के रूप में दे रहे हो। इन दैट केस आउटपुट मॉड्यूल में एक बहुत ही सुंदर डिवाइस यूज करेंगे, उसका डैक। ठीक है, एडीसी डैक बहुत बहुत बार पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपको बोले थे डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जब हम लोग स्काडा पढ़ेंगे फिर वहां पर आएगा। ठीक है, फिर वहां पर आएगा एडीसी डैक। इसलिए एडीसी डैक कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी दुनिया हम लोग दो लोगों से मिलकर बनी है। एक तो हम लोग की रियल दुनिया, यानी हम लोग की दुनिया पूरी तरीके से एनालॉग सिग्नल बेस्ड है, और हम लोग एक डिजिटल डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हैं, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर इस तरीके के डिवाइसेस जो डिजिटल डिवाइसेस कहलाते हैं। हमारी और उसकी दुनिया की भाषा अलग अलग है, और इसके लिए हमें हर बार हेल्प लेना होगा एडीसी और डैक का। इसके बिना हम लोग ना तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना ही हम लोग कोई काम कर पाएंगे। तो अब आइए, आउटपुट मॉड्यूल जो है सीपीयू, आउटपुट मॉड्यूल जो है सीपीयू और ठीक है आउटपुट यानी एनवायरनमेंट, आउटपुट साइड के एनवायरनमेंट का इंटरफेस करता है। करेक्ट, ये सीपीयू से रिजल्ट को लेता है और सुटेबल एनवायरनमेंट सिग्नल तुमको जैसी जरूरत है उसमें वो कन्वर्ट करके दे देता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, यहां स्पीकर भी लग सकता है, मोटर भी लग सकता है, रिले भी लग सकता है, जैसा डिवाइसेस लगाएगी उसके अकॉर्डिंग तुमको वर्क मिलेगा। तो ये आउटपुट मॉड्यूल वर्क एज एन इंटरफेस और लिंक बिटवीन द सीपीयू एंड द रियल वर्ल्ड। द मेन फंक्शन ऑफ आउटपुट मॉड्यूल इज टू टेक कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू, टेक कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू ठीक है, एंड बेस्ड ऑन सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम सीपीयू। अरे कहीं गलती लिखा गया क्या? सीपीयू ठीक है, यहां थोड़ा सा चेंज कर लेना। ओके, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू एंड हम मिटा देते हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं, अपना लैंग्वेज बना दे रहे हैं। ठीक है, कहीं लगता है दोनों सेम लाइन एक ही साथ पढ़ा गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको काट लेना, अब तो हमको भी नहीं पता चला तो ठीक है। टेक कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू एंड ठीक है, एंड ठीक है, टेक कंट्रोल सिग्नल सीपीयू एंड कन्वर्ट इट सुटेबल फॉर आउटपुट डिवाइसेस। लीजिए ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है लिखते समय। चलिए तो यहां तक आपने दो सेक्शन को सीखा, तीसरा और चौथा और पांचवा सेक्शन। तीसरा सेक्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पहले हम लोगों ने इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को अच्छे से समझ रखा है, थोड़ा सा इंटरफेस बदल गया है। इसका कारण है इसके बाद का पूरा लेक्चर्स जो है साउंडलेस हो गया था माइक की वजह से, माइक डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, अभी ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी, कोई कोई लेक्चर्स पूरा साउंडलेस हो जाता है, जब बन के ख़त्म होता है तब पता चलता है कि नहीं पूरा ख़त्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, तो ये अब हम लोग आ रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। इसके पहले आप देख रहे होंगे उसमें ड्रेसअप अंदर अलग होगा, और यहाँ पर इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को हम लोग समझ चुके थे, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब आपको याद होगा मैंने शुरू में ही कह रखा था कि ये कंप्यूटर के सिस्टम की तरह है एकदम। कंप्यूटर जो, जिसने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझ लिया, लगभग पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को समझ लिया। अब सोचिए कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो उसमें सीपीयू तो मेन पार्ट होता है, फुल फॉर्म आप जानते भी हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें भी ऐसे ही है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस पीएलसी का सबसे मेन पार्ट है, एंड ऐसा कह सकते हैं कि ये दिल की धड़कन है। अगर इस ये नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी प्रोसेसर के अंदर रखा हुआ है।
यानी इसी सीपीयू के अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर एक प्रोसेसर भी है और एक मेमोरी भी है, ठीक है। यानी इस ब्लॉक को अगर आप देख रहे होंगे स्क्वायर शेप में, इसी के अंदर डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दो भाग में बांटे, बताऊंगा दोनों का अलग अलग वर्क है और एक प्रोसेसर भी है, दोनों के बीच में कनेक्शन भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इस सीपीयू का मेन पार्ट है और यही काम भी करता है। सर क्या कैसे काम करता है? पहले तो मेमोरी में चले जाइए, मेमोरी में सारे वो प्रोग्राम स्टोर्ड हैं जो उस पीएलसी के द्वारा कराए जाते हैं, करेक्ट सर। पीएलसी के द्वारा कौन सा काम कराया जाएगा? तो पीएलसी जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम को काम करने के लिए यूज कराया जाता है। हाँ, जैसे मान लिया मैं एक इंडस्ट्री स्टेबलिस्ट क्यों हूं और उस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक प्रोग्रामिंग बेस्ड डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस वहां पर आप पीएलसी का यूज करते हैं। यही तो है पीएलसी, यानी वो कितने किस स्पीड से उसका मोटर रन करेगा, उसमें कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं वो किस स्पीड से रन करेगा, या अगर वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा है तो वहां पर उसका मोशन कैसे होगा, कब लेफ्ट जाएगा, कब राइट जाएगा, कितने मिनट के बाद अप जाएगा, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में काम होते हैं क्योंकि मशीनों को एक ही जगह तो काम नहीं करना है, तो अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो इस सारे सिस्टम की प्रोग्रामिंग उस पीएलसी में अटैच्ड होती है, करेक्ट। तो आप सोचिए यार सारे सिस्टम की प्रोग्रामिंग अटैच्ड होती है, वो प्रोग्राम रखा कहाँ रहता है? तो इस मेमोरी सेक्शन में रखा रहता है, करेक्ट। अब जब जरूरत हो उस प्रोग्राम की तो वो प्रोग्राम प्रोसेसर के पास पहुंचता है। प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला, यानी वो इस प्रोग्राम से प्रोसेसर से प्रोग्राम मेमोरी यानी डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी से वो प्रोसेसर वाला प्रोग्राम को लेता है और प्रोसेस करता है, ठीक। ये बहुत आसान चीज है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत ही इजी थिंग बोलते हैं इसको। चलिए तो एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी कर लें। मैं ऐसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट डे ही बता रखा हूँ कि ये थोड़ा सा एकदम आसान बनाना चाहेंगे थोड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये नया अच्छा सब्जेक्ट है और दूसरा कि ये इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्री में यूज होने वाले टेक्निकल शब्द को आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसके जगह पर कहेंगे कि एकदम इजी लैंग्वेज शब्द दे दो, मैं कहूंगा कि ऐसे शब्द संभव ही नहीं है, ठीक है। आपको वहां पर उस शब्द को याद भी करना होगा, समझना भी होगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड शब्द इंडस्ट्री के लिए होते हैं, अब घरेलू रिलेटेड शब्द घरेलू के लिए होते हैं, तो वहां पर अब करना है, ठीक है। अब जैसे मैं रोटी बना रहा हूं तो रोटी बनाना घर का अलग चीज हुआ, लेकिन वहीं पर अगर मैं इंडस्ट्री में रोटी बना रहा हूं तो वहां प्रोडक्शन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मेरा बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो पर्टिकुलर वर्ड्स बदल जाता है और वहां पर आप टेक्निकल वर्ड्स के लिए पीछे के लिए आते हैं। चलते हैं आगे टॉपिक पे, बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पढ़ के दिखाता हूँ। सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द पीएलसी, ये पीएलसी का सबसे मेन पार्ट होता है। द सीपीयू सॉल्व्स द यूजर प्रोग्राम बाय यूजिंग रियल टाइम इनपुट स्टेटस ऑफ इनपुट मॉड्यूल। सीपीयू क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल से सिग्नल लेता है रियल टाइम। रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब उसी समय जिस समय वो सिग्नल भेज रहा है उसी समय आया। ऐसा नहीं कि मैंने इनपुट सिग्नल दे दिया और एक घंटा के बाद प्रोसेसिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम का मतलब होता है मैं इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलने लगेगा, इसको रियल टाइम इनपुट बोलते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द प्रोग्राम इज प्रोग्राम After processing the program, it give output to output module. ये output module को output भी देता है, उसी समय देता है। ऐसा नहीं कि वो program को ला के रख दिया, हाँ देंगे ना, ऐसा नहीं होता है। वो real time में, सारे real time में work हो रहे हैं, मतलब at a time में जो काम हो रहा है उसके समय जितने लगेंगे processing में अलग बात है, उसके बाद तुरंत output मिलेगा, ठीक, सारे कुछ रियल टाइम में। इसी दौरान हमें मेमोरी और प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द प्रोग्राम इट गिव आउटपुट ऑफ मॉड्यूल। द प्रोसेसिंग सीपीयू, प्रोसेसिंग सीपीयू कंटेंट टू पार्ट। फॉर प्रोसेसिंग सीपीयू कंटेंट टू पार्ट, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू अपने पास दो भाग रखता है, एक का नाम है प्रोसेसर और एक का नाम है मेमोरी। प्रोसेसर देखिए क्या कहता है, प्रोसेसर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट प्रोग्राम प्रेजेंट इन पीएलसी। पीएलसी के अंदर जो प्रेजेंट प्रोग्राम है उस जो भी काम आया उसको कंप्लीट करना प्रोसेसर का काम है। अगर नहीं कंप्लीट होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी प्रोसेसर होगा। इसका मतलब कहीं काम पूरा नहीं हो रहा है, जैसे मान लिया कि मैं किसी काम को आपको करने दिया और वो काम को स्टेप बाय स्टेप करते करते बीच में ही आप छोड़ देते हैं, इसका मतलब या तो प्रोग्राम सही नहीं है
या कहीं ना कहीं मशीनरी प्रॉब्लम है। मोस्टली प्रोग्राम गलत होता है, मशीनरी तो एकदम करेक्ट बनाया जाता है, एक बार मशीन बन गई तो बन गई, वो कहीं कहीं रुक जाता है। एग्जांपल के लिए मैं प्रिंट एक बार पेज प्रिंट कर रहा था, तो मैं पेज प्रिंट के लिए कमांड तो दिया लेकिन पेज प्रिंट होके नहीं निकला। बाद में पता चला कि नहीं, सब कुछ तो ठीक था लेकिन अंदर में प्रोग्राम ही ठीक से नहीं इंस्टॉल हुआ था। मैंने प्रोग्राम को दोबारा इंस्टॉल किया, उसके बाद अगर उसमें उसके बाद मैंने इसमें प्रिंट के कमांड दिए तो आराम से प्रिंट होने लग गया। तो इस तरीके से एक्चुअली में प्रोसेसर का मुख्य काम हो गया कि जो भी पीएलसी के अंदर प्रोग्राम स्टोर्ड है, उस प्रोग्राम जो काम के लिए प्रोसेसर बनाया गया, मतलब जो प्रोग्राम उस समय आया उसको पूरा कंप्लीट करना। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास। ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्कैन प्रोग्राम स्कैन प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ मेमोरी। सीधा सा बात है कि हम लोग का जो प्रोग्राम स्टोर रहता है मेमोरी में, ये प्रोसेस करता है। तो जब प्रोसेसिंग करने की बात होगी तो ये इसको स्कैन करता है। स्कैन करने का मतलब वहां पर प्रोग्राम रखा है तो उससे प्रोग्राम स्कैन करके मांगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्कैन द ठीक है प्रोग्राम। मेमोरी पार्ट में आते हैं। मेमोरी जनरली दो तरह के मेमोरी दिख रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं है, इजी वे में है, डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। तो एक मैंने लिखा डाटा मेमोरी के लिए और एक लिखा मैंने प्रोग्राम मेमोरी के लिए। डाटा मेमोरी यूज टू स्टोर द डाटा एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रक्शन एड्रेस एंड प्रोग्राम। जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का अपना एक एड्रेस होगा। यस सर, एकदम होगा। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सुन रहे हैं तो उनको तो इन दो शब्दों से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को इलेक्ट्रिकल वाले सुन रहे होंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं ही होगी, क्योंकि दोनों फेमिलियर हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर शब्द से। लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम को सिविल वाले देख रहे हैं और मेरे इस वीडियो को सिविल वाले देख रहे हैं या फिर मैकेनिकल वाले देख रहे हैं या अदर कोई ब्रांच के देख रहे हैं जिनको माइक्रो प्रोसेसर का नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। ठीक है, कहता है कि जो डाटा मेमोरी होता है वो जितने भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होंगे उनको उनके एड्रेस को रखने का काम करता है। सर ये प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, तो प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर को काम को करने के लिए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। सर अभी भी समझ में नहीं आया। सुनिए, कोई भी मशीनरी यानी कोई भी माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस प्रोग्रामिंग पे काम करता है। वो एक इंस्ट्रक्शन लेता है, उसके बाद उसको समझता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। हम लोग एक प्रोग्रामेबल डिवाइस हैं। हम लोग को सारा प्रोग्राम दिमाग में डाल दिया गया है। कभी भी रोड के बाएं चलते हैं आप, दाहिने तो नहीं चलते हैं। ठीक है, कभी भी आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, जो भी इन सब चीजों को आपको प्रोग्रामड करके बताया गया है कि आपको कैसे बात करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे ये काम, कब कैसे वो काम, सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर्ड है और उसी के अकॉर्डिंग आपका दिमाग एग्जीक्यूट कराता है। यानी उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कराता है और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। तो हो क्या रहा है, डाटा मेमोरी में ये मेमोरी है तो किसी न किसी चीज को रखेगा। ये जो है तीन चीज, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखता है और उसके प्रोग्राम को यानी इंस्ट्रक्शन के समूहों को प्रोग्राम करने, या तो प्रोग्राम को रखेगा या उसके एड्रेस को रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम मेमोरी जो है उसका मेन काम है यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्स बोलते हैं आप लोग। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूं तो एप्स। ठीक है, अरे तुम लोग जब मोबाइल खोलता है तो तुम लोग बोलता है ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं सर, ठीक है ना, ऐसा बोलते हो। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? एप्स का मतलब तुम एप्लीकेशन डाउनलोड किए, यही इसी को एप्स कहते हैं। प्रोग्राम मेमोरी यूज टू स्टोर यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जितने भी एप्स डाउनलोड करोगे एक्स्ट्रा तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा? तो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा। करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे आप अपना मोबाइल खरीदे हैं तो अपने मोबाइल में रैम और रोम दिया है, तो जो भी तुम अब प्रोग्राम डाउनलोड करते हो, नया एप्स डाउनलोड करते हो, रोम में जाके स्टोर हो जाता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ प्रोग्राम मेमोरी है। मान लिया कि कोई एप्लीकेशन हम लोग बाहर से इंटरफेस करते हैं या डाउनलोड करते हैं, इन दैट केस उस समय वह प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। मैं अपने आप को ठीक है बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो वीडियो देखेंगे, मेरे सामने तो है नहीं। कभी कभी क्लासरूम की वीडियो बन जाती है तो बहुत अच्छे से डाउट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, जैसे इसके आधे पार्ट वाला वीडियो देख रहे होंगे तो क्लासरूम की वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से क्लासरूम की वीडियोज बनती है और बच्चे भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आधा साउंड नहीं आया तो हम लोग उसके लिए चल रहे हैं। चलिए, पावर सप्लाई, ये दो पार्ट बचाए, आराम से सुनिए। पावर सप्लाई
एकदम इसमें लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन है तो लिखेंगे। दो पार्ट तो बचा है, एक है पावर सप्लाई और एक प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। पावर सप्लाई, अरे भाई कोई भी दुनिया का कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी से तो काम चलता नहीं है। तुम ही खुद को ले लो, बिना खाना खाए तुम काम कर लोगे? एकदम नहीं सर। कोई भी डिवाइसेस या सिस्टम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे काम करने के लिए, बस दिस इज द पावर सप्लाई। अगर मैं एक पीएलसी बनाया हूं और पीएलसी चालू करना चाहता हूं, पीएलसी को वर्क कराना चाहता हूं, तो उसके रिक्वायर्ड एनर्जी देनी होगी। एकदम देंगे सर, नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा। इसी रिक्वायर्ड एनर्जी को तो पावर सप्लाई बोलते हैं। ये पावर सप्लाई अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। पीएलसी में अलग अलग डिवाइसेस होंगे। अगर मेरे पास डिजिटल डिवाइसेस होंगे तो मैं क्लॉक सिग्नल दूंगा। यदि 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 हमारे पास वो डिवाइसेस सिंपल डीसी डिवाइसेस होगा तो डीसी सप्लाई देंगे। जितना वोल्ट की डीसी चाहेगा उतना वोल्ट देंगे। तो मैंने लिख रखा है, आपने से लिख दिया, दिस पावर सप्लाई इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी सप्लाई और क्लॉक सिग्नल, या बोथ, दोनों हो सकता है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर में या माइक्रो प्रोसेसर में दोनों तरह के सिग्नल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कहा था, टू डू ए पर्टिकुलर टास्क बाय पीएलसी इट रिक्वायर्ड ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए होता है। चलिए पावर सप्लाई की बात हो गई, अब आते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस। क्या डिवाइस? प्रोग्रामिंग डिवाइस। हम लोग कौन से डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग डिवाइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इसके बिना ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके बिना आपका पीएलसी काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं एकदम काम, क्योंकि पीएलसी के अंदर तो प्रोसेसर ऑलरेडी है, काम करने के लिए सक्षम है, ये सारा काम करेगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो आप ऐसा बोले कि चेंज नहीं कर सकते हैं किसी चीज को। सर समझ नहीं पाए, चेंज करने का मतलब, जैसे मान लिया कि अभी कोई मैं पीएलसी बनाया, उसमें प्रोग्रामिंग डाल दिया, काम करने लगा, हाँ काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक आपकी जो कस्टमर सेक्शन है, जो आपसे डिमांड करेंगे, इंडस्ट्री है आप रखे लगाए हुए हैं, वो बोलेंगे नहीं हमको ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, इस तरीके से नहीं। कोई एक चीज बना रहे हैं उसमें आपका वो अपना रिक्वायरमेंट बदल दिया, बोला ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, तब क्या करोगे? उस समय तुम्हारा जो पीएलसी का प्रोग्रामिंग है वो तो दूसरे रूप में बना हुआ है, तो तुम सोचोगे अब क्या करें, ठीक है, पूरा डिवाइस सेटअप चेंज करना पड़ेगा, पूरा ही पीएलसी बदलना होगा। अरे नहीं, पूरा पीएलसी बदलना नहीं होगा। पीएलसी में एक सेक्शन है, उसका नाम है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। इस प्रोग्रामिंग डिवाइसेस में आप अपने रिक्वायरमेंट की प्रोग्रामिंग डाल दीजिए और वो प्रोग्रामिंग सीधे चला जाएगा मेमोरी, डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी में, वहां स्टोर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, जब भी जरूरत पड़े हमें नया प्रोग्राम स्टोर करा देने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो हमें हेल्प करता है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। ठीक से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामिंग डिवाइसेस इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड पीएलसी। हम लोग का यूजर, हम यहां है जी, ये हम है और हम यहां पर चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्रामिंग हो। तो ये यूजर और सीपीयू, इसी सीपीयू के बीच में इंटरफेस करता है। द प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हेल्प द यूजर टू इंटर एंड मॉडिफाई द रिक्वायर्ड प्रोग्राम। अच्छे से सुनिएगा, इंटर कोई भी प्रोग्राम डाल सकते हैं और मॉडिफाई का मतलब होता है बदल सकना। अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम है, अगर मैं बदलना चाहता हूं, देन दैट्स नेम इज द मॉडिफाई द रिक्वायर्ड प्रोग्राम इनटू द पीएलसी मेमोरी। पीएलसी मेमोरी के अंदर अगर हम किसी प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो उसको हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, या नया प्रोग्राम कोई मैं डालना चाहता हूं तो ऊपर भी हमें प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हेल्प करेगा। एकदम, तो ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है और मैं आपको कहूं कि ये ब्लॉक डायग्राम छप गया है क्वेश्चन में, इस बार आपके एग्जाम में रहेगा, इसलिए आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से ढंग से पूरे तरीके से एकदम बना ले, ठीक है। तो आपके एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन मैंने आज खत्म किया। चलिए तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।